आज मैं आपको सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के ऊपर नॉलेज देना चाहूंगा। सो व्हाट इज सर्वाइकल स्पाइन? सर्वाइकल स्पाइन मतलब हमारा स्पाइन का एक पार्ट होता है जो C1 वर्टिब्रल बॉडी, जिसको एटलस बोलते हैं, टू C7 वर्टिब्रल बॉडी, ये कंसिस्ट करता है। पहले 7 वर्टिब्रल बॉडीज को हम सर्वाइकल स्पाइन का नाम देते हैं। ये कंस्ट्रक्ट होता है जो कि हमारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल बेंडिंग, रोटेशन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मसल्स, दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में डिस्क्स है, लिगामेंट्स, ये सब चीज़ें मिलके हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड को एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देता है। हेलो, मैं डॉक्टर वैभव नासरे, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, गोंदिया, यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसके आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। सो हमारे जिंदगी में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स, मतलब डीजनरेशन होता है, एज बढ़ती है, देखा गया है कि स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में कंप्रेशन चालू होता है, जिसके कारण पेशेंट को हैंड्स में नम फीलिंग होगी, पेन फील होगा, नेक पेन होगा। ये सब चीजें सर्वाइकल प्रॉब्लम के कारण आते हैं। सो कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण सर्वाइकल स्पाइन की तकलीफें होती है, जैसे डिस्क हर्निएशन हो गया, जिसके एक पेशेंट को हाथ में और पैरों में झुनझुनी आने के चांसेस होते हैं। अगर कंप्रेसिव माइलोपैथी है तो दोनों हाथों में और दोनों पैरों में झुनझुनी हो सकती है, उन्हें चलने में दिक्कत हो सकती है, पैरों से चप्पल छूट सकती है, इम्बैलेंसिंग हो सकता है। अगर पेशेंट के स्पाइन में कहीं ट्यूमर है, ट्यूमर के कारण सेम प्रॉब्लम्स दिख सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है, या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है, उसके कारण भी सेम सिम्टम्स देखे गए हैं। कुछ डिसीजेस है जैसे डिजनरेटिव सर्वाइकल स्पाइन डिसीज, या फिर ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, जिसमें पेशेंट का बोन बढ़ने लगता है और वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने लगता है, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स चालू होते हैं। सो ये कुछ इंडिकेशंस देखे गए हैं जिसमें स्पाइनल सर्जरीज और न्यूरो सर्जन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट, सर्जरी तभी परफॉर्म की जाती है जब पेशेंट मेडिसिन से बेहतर नहीं हो रहा है और पेशेंट मेडिसिन खाते हुए भी उसके सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, तब सर्जरी का रोल आता है। सो क्या क्या टाइप की सर्जरीज देखी गई? तीन चार टाइप की सर्जरीज है। एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन, कॉर्पेक्टमी एंड फ्यूजन, पोस्टीरियर लैमिनेक्टमी एंड लैटरल मास स्क्रू फिक्सेशन, या फिर प्लेन लैमिनेक्टमी। एक आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी भी है जिसमें हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेस करते हैं नॉर्मल डिस्क निकाल के। सो ऐसे कुछ सर्जरीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सर्जरीज परफॉर्म की जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सर्जरीज आर डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, बिकॉज यहाँ पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत छोटा सा इंसिजन लेके मेन एरिया तक पहुंचा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही मिनिमम होते हैं, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या कोई नर्व इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी हो सकती है, बट ये यूजुअली रिकवर हो जाते हैं। इन द एक्सपर्ट हैंड्स हार्डली कोई कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। CSF लीक जैसे भी एक कॉम्प्लिकेशन बुक्स में लिखी है। ऑपरेशन के बाद में यूजुअली पेशेंट 3 to 5 days के बाद घर जा सकता है। पेशेंट अगर वो पेन रिलीफ के लिए आया है तो मोस्टली पेशेंट के पेन रिलीफ हो ही जाते हैं, पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। कॉलर यूज किए जाते हैं, फिजियोथेरेपी पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं। सिंपल डिस्क सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। कंप्रेसिव माइलोपैथी के रिजल्ट्स थोड़े गार्डेड रहते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट के बेनिफिट के लिए वो सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे रीजन में एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, जिसके कारण हेड इंजरी और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत कॉमन देखी गई है, जिसपे सर्वाइकल वर्टिब्राज फ्रैक्चर हो जाते हैं और फ्रैक्चर होने के कारण कॉर्ड को इंजरी होती है। फ्रैक्चर होने के कारण डिसलोकेशंस भी देखे गए हैं। अगर कोई पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें फ्यूजन सर्जरी की जाती है और उसको वर्टिब्राज को वापस अलाइन किए जाते हैं, और आफ्टर सर्जरी रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें होती हैं। पेशेंट इम्प्रूव्स विद टाइम, स्लोली बट ही इम्प्रूव्स विद टाइम। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सो ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक
सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी एक बहुत एलीट सर्जरी, और ये सर्जरीज न्यूरोसर्जन्स परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। मैं गोंदिया जिले में लगभग मोर देन 200 to 300 सर्वाइकल स्पाइन सर्जरीज कर चुका हूँ, सिर्फ इसी रीजन को देखते हुए। स्पाइनल ट्यूमर्स निकाल चुका हूँ पोस्टीरियरली, और वो भी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स ही करते हैं, और सब पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं मुझे अब तक।